सर एक सवाल और है, व्यापारियों में सबसे ज्यादा अगर लुटता है तो वो ज्वेलर्स लुटता है, उनकी एक मांग है कि उनको लाइसेंस दिया जाए बंदूक का या रिवॉल्वर का। मैं तो ये कह रहा हूँ लाइसेंस देने की जरूरत सबको है, जो कोई मांगता है लाइसेंस देना चाहिए, सरकार को दिक्कत क्या है, दें लाइसेंस जो भी मांगता है उसको। आज तक जितने भी इस प्रकार के इंसिडेंट हुए हैं, कोई खुद के रिवॉल्वर्स किसी ने आज तक किया है क्या? वो तो आत्मरक्षा के लिए उसको तो दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है, वो इस प्रकार का ध्यान भी रखता है और दूसरे लोगों में डर भी रहता है, तो ये तो होना चाहिए। सबसे कम अगर लाइसेंस दिए जा रहे हैं तो अपने यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये भिवाड़ी के साथ शौचालय व्यवहार होता है और इस तरह की फैसिलिटी होती है आए दिन, हर बार हो, तीन बार है इस तरह का वाक्य हो गया इस तरह। देखिए एक तरफ तो रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, मायाजाल दिखा रहे हैं उद्योगपतियों को, आप आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए, और सुरक्षा के नाम पे जीरो, सुविधाओं के नाम पे जीरो, संसाधनों के नाम पे जीरो। तो ये सरकार जो है ये सरकार चला ही नहीं पा रहे, हकीकत तो ये है, इनके मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं, हालत तो यही सरकार की। नेताजी ये तो हो गई सत्ता पक्ष की बात, विपक्ष का भी एक अहम रोल होता है, आपकी भी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहां सत्ता अगर चीज़ को नहीं देख पाती है तो वहां विपक्ष का रोल शुरू होता है, आप किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे, कैसे सरकार को झुकाएंगे जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, आर्थिक सहयोग मिले, और उनकी अगर कोई भी मांग है आपने बात की तो क्या ऐसी मांग है जो आपको विधानसभा में उठानी हो, या आपका भी दर्जा बराबर का ही है, आप अपने स्तर पर इस चीज़ को कहाँ तक लेकर जाने की जिम्मेदारी लेंगे? देखिए आपने अच्छी बात कही, हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मामलों को उठाने की। मैं स्वयं सारे काम छोड़ के दिल्ली था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और पहली जो इनका एक विकेट हमने गिरा दिया है आज ही, जो मैंने विधानसभा के अंदर जिसमें बड़ा हल्ला मचा दो दिन, जब मैंने एक मामला उठाया था कि विधि मंत्री का बेटा डबल एजी के पद पे नियुक्ति पा रहा है, ये नियम विरुद्ध है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था, जिस पे दो दिन विधानसभा में धरना भी चला था, हम लोग रात को वहाँ सोए थे। अब सरकार को इसका चेत हुआ है और आज उन्होंने इस्तीफा, मंत्री के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा आज उनका हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, इसमें आप ये मत समझिए कि हम इनको ढीला छोड़ने वाले हैं, भिवाड़ी की जो घटना है इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा, इस चीज़ का पूरा मैं ध्यान रखूँगा, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, सड़क से लेकर सदन तक हम आम जनता के साथ हैं। राजस्थान की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे और इनको चैन से नहीं सोने देंगे। सवाल है कमलेश ज्वेलर्स का, ये मामला है कमलेश ज्वेलर्स का, मामला विधानसभा में कितनी मजबूती से उठेगा? दूसरा सवाल, इससे पहले अंशुल ज्वेलर्स का एक घटनाक्रम भिवाड़ी में हुआ था, आज एक बड़ी विडंबना है, उस घटना को कई साल बीत जाने के बाद भी आज वो ज्वेलर लूट रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी संजीदगी से काम करने की जरूरत है कि क्यों लूट रहा है, सिस्टम कहाँ उसको लूट रहा है, लूटने वाले तो लूट कर चले गए लेकिन वो आज भी लूट रहा है, इस पर काम करने की जरूरत है, कितनी गहराई से इस मामले को उठाकर आगे को बताएंगे तो निश्चित तौर पर पुराने मामले की भी जाँच कराएंगे, और इस मामले में तो मैंने आश्वासन दिया ही है, मैं पूरे तरीके से परिवार के साथ हूँ, जहाँ कहीं भी परिवार को जरूरत पड़ेगी, हमारे साथी हमारे पूर्व विधायक जी संदीप जी, भाई इमरान जी, हमारी प्रधान जी संजय जी, सभी लोग, हमारे पूरी टीम जो है यहाँ पे आई है, और ये कोई एक मानवता के नाते, एक कर्तव्य के नाते हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और सुबह से ये सब लोग लगातार आप लोगों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आगे भी जहाँ भी कोई ज़रूरत होगी हम लोग जो व्यापारी हैं, भाई कमलेश जी हैं, ज्वेलर्स जो हैं, इन सब के साथ। पीड़ित व्यापारियों का ये एक विडंबना रही है कि जब वो लूटना है, जो आरोपी लूट कर चले गए वो तो लूट कर चले गए लेकिन सिस्टम आप हमें बताएंगे पूरी इस चीज़ को जाने नहीं देंगे। पीड़ित से मिले इससे पहले जो इस घटनाक्रम में, इस तरह के घटनाक्रम में जो पीड़ित रह चुका है उनसे मिले, वो आपको एक चीज़ बताएंगे।